अरे भाभी कहाँ जा रही हो? अरे देवर जी आज दिवाली है तो मैं आंगन में रंगोली बनाने जा रही हूँ। क्या तुम रंगोली बनाने जा रही हो? तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हमें अच्छे से पता है तुम कैसी रंगोली बनाती हो। क्यों मुझे अच्छी रंगोली बनाना नहीं आती? नहीं भाभी तुमसे तो अच्छी वो 5 साल की बच्ची बनाती है। ये लो मुझ पे हंस रहे ना और भी इनको बताती हूँ। अच्छा बहुत हंसी आ रही ना तो इस बार तुम दोनों भाई मिलकर रंगोली बनाओ। हाँ हम दोनों भाइयों जैसी रंगोली तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं बनाता। अच्छा लो फिर बनाओ। हाँ हाँ चलो भैया। बन गई। ओए ये क्या बनाया है? हैं दिख नहीं रहा है क्या रंगोली है? ये रंगोली है। अरे इससे अच्छा तो 2 साल के बच्चे दीवार पे चित्र लेते हैं। अरे भैया अब ज्यादा मत सोचो भाभी तो हमारी रंगोली देख के जल रही है। अरे मेरे पागल पति मेरे पागल देवर जी इस रंगोली में ऐसे जलने जैसा क्या है? क्या है एक सुंदर लड़की की रंगोली इसलिए तुम जल रही हो? अच्छा देखो जरा तुम दोनों मुझ पे हंस रहे थे ना और तुमने क्या बनाया ये कार्टून। इसलिए बोलते हैं अगर खुद को नहीं आए ना तो दूसरों को उंगली नहीं करना चाहिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।